अरे तमन्ना, क्या हुआ? अरे ये 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 पानी पियो, तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी। सुल्तान, बहुत बुरा ख्वाब देखा है। मेरे गुनाहों का बोझ बहुत ज्यादा है सुल्तान, इसीलिए मेरी दुआ कबूल नहीं होती। नहीं 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 तमन्ना, ऐसी बात नहीं करते। मायूसी कुफर है, तुम देखना तुम्हारी दुआ जरूर कबूल हो। अरे कब कबूल होगी? मैं कितनी दुआएं मांग रही हूँ, मेरा बच्चा लौट आए मेरे। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कैसे कहाँ चली जाऊँ और उसको लेकर आ जाऊँ वापस। हौसला करो, आ जाएगा तुम्हारा बेटा, आ जाएगा। मामा, मामा देखिए आपसे मिलने कौन आया है। क्या वो मामा, आप मुझे पहचान नहीं रही? मैं आपका बेटा नुमान। नुमान, नुमान मेरा बच्चा। देखिए मेरी दुआ कबूल हो गई, आप मानते नहीं थे ना। देखिए अपने पैरों पर चल कर आया मेरा बेटा, अरे मेरा बच्चा। लेकिन साहब, अशर अशर कहाँ है? उसे लेकर आओ ना। ना मलीहा घर पे और ना ही फहाद, और अब यहाँ बैठे मैं बोर हो रही हूँ मैं। हाँ तो मलीहा अपनी अम्मी के घर गई है और फहाद उसे लेने गया है। एमन तो है, उससे बातें करूँ? मैं बच्ची थोड़ी जो एमन से बातें करूँ। चलो उठे मेरे साथ, हम लॉन में चल के बातें करते हैं। प्लीज नाज़िया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपकी शादी होने वाली है और अब बीमार पड़े हुए, ये रूम का क्या हाल किया हुआ इतना बस? क्यों, क्या हुआ मेरे रूम को? सब ठीक ठाक तो है। ये देखे, ये क्या? आप भी जो है ना नाजिया, प्लीज तुम रहने दो, जमाल बाबा मेरा रूम ठीक से मैनेज कर लेते, प्लीज छोड़ दो। साली मतलब आधी घर वाली, अब इस हिसाब से मेरा फर्ज बनता है ना आपके सारे काम करना। जितने दिन से मैं आपके काम करूंगी ना, जमाल बाबा थोड़ी करेंगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो काफी मैस हुआ हुआ था रूम में, तो मैं रूम सेट कर रही थी। आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है, ये काम आपका नहीं जमाल बाबा का है, और वो पापा के सारे काम देख लेते हैं। मुझे तो यजदानी जी ने कहा था, इसलिए मैं कर रही थी। लेकिन तुम्हें अगर बुरा लगता है तो मैं नहीं करती हूँ।